एल्विश यादव का रिएक्शन ऑन साई केतन एंड लव कटारिया फाइट। साई ने यहां वर्बल आर्ग्यूमेंट के बीच कटारिया को गाली दी, आगे से कटारे ने भी गाली दी तो साई को इतना गुस्सा आ गया कि उन्हें मारने के लिए दौड़ गए। तेरी औकात क्या है, तू डिजर्विंग नहीं है और बहुत सारी चीजें। इसी बात पर आखिर एल्विश की क्या सोच है? एल्विश की सोच ये है जो खुलकर कई बार कह चुके हैं कि भाई अगर सामने से तुम्हें कोई गाली दे रहा है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे फैमिली को, और बहुत गलत घटिया तरीके से, तो तुम उसका जवाब उसी तरीके से तो दोगे ना। चुप तू ही ना बैठ जाओगे कि हाँ मुझे गाली दे रहा है तो ठीक है मैं चुप बैठ जाता हूँ, सुन लेता हूँ। और ऐसे में जब गलती है इसमें साई की, क्योंकि साई ने ही पहली गाली दी थी और उसके बाद कटारिया ने दी, तो आखिर मारने के लिए कैसे दौड़ गए कटारिया को साई, ये गलती तो उनकी ही थी। और अगर रणवीर शौरी बीच में ना आते, क्योंकि जिस तरह से चार्ज करते हुए कटारिया यहां बैठे हुए हैं और वहां से भागकर आए साई कटारे को मारने के लिए, यहां रणवीर बैठे हुए थे और फट से वो कटारे के ऊपर चले गए ताकि साई का अटैक कटारिया पर ना हो और रणवीर उसे रोक ले। बहुत ही स्ट्रांगली रणवीर यहां पर इस पूरी सिचुएशन को संभालते हुए नजर आए, साई को दूर किया गया। लेकिन अगर ये अटैक हो जाता और कटारिया भी वो अटैक वापस कर देते तो मुसीबत दोनों पर ही आती। लेकिन साई ने जिस तरह से गलत एक्शन लिया, क्या इसे क्या उन्हें इस बात की सजा मिली? बिल्कुल भी नहीं। और इस बात की सजा कटारिया, कटारिया के फैंस, बिग बॉस की ऑडियंस जो साई को पसंद नहीं कर रही हैं, और एल्विश, एल्विश के फैंस जरूर चाहते हैं इंसाफ फॉर कटारिया। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप सभी कमेंट करके हमें जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल भी ना जाएं।